जीके किड्स। ढोंगी भेड़िया। किसी जंगल में धार्मिक नाम का एक भेड़िया रहता था। वह अपने नाम अनुसार धार्मिक नहीं बल्कि इसके विपरीत बहुत धोखेबाज था। उसी जंगल में बहुत सारे चूहे भी रहते थे। उनका मुखिया बहुत मोटा और बुद्धिमान था। वह सभी चूहों का बहुत ध्यान रखता था, इसलिए सभी चूहे उसका सम्मान करते थे और उससे बहुत खुश भी थे। भेड़िए ने जब उन चूहों को देखा तो सोचने लगा, इनसे किस तरह जान पहचान बढ़ाई जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा और वह उनके घर के बाहर आसमान की ओर देखता हुआ मुंह खोलकर एक टांग पर खड़ा हो गया, जैसे कि कोई तपस्वी अपनी तपस्या में खड़ा हो। सारे चूहे उसे देखकर बहुत हैरान हुए। चूहों के मुखिया ने उसके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? भेड़िया बोला, मेरा नाम धार्मिक है। मुखिया ने पूछा, आप एक टांग पर क्यों खड़े हैं? भेड़िया बोला, यह पृथ्वी मेरी चार टांगों का बोझ नहीं सह सकती, इसलिए मैं एक टांग पर खड़ा हूँ। मुखिया ने पूछा, आपने अपना मुंह क्यों खोल रखा है? भेड़िया बोला, मैं केवल हवा खाता हूँ। मुखिया ने पूछा, आपका मुंह आसमान की ओर क्यों है? भेड़िया ने बोला, मैं सूर्य देव को प्रणाम कर रहा हूँ। मुखिया ने सोचा, हम सब भी इनकी तपस्या में अपनी सेवा दे सकते हैं। उसने सब चूहों को कहा कि हम भी इस तपस्वी की सेवा करेंगे और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। भेड़िया यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह यही चाहता था। चूहे सारे दिन भेड़िया की सेवा करते और शाम होते ही लाइन बनाकर अपने बिल में घुस जाते। इस प्रकार जब चूहे अपने बिल में जाते तब भेड़िया आखिरी वाले चूहे को पकड़कर खा जाता था। इस प्रकार चूहों की संख्या कम होने लगी। जिस बिल में चूहे पूरे नहीं आते थे अब वह खाली खाली लगने लगा। सभी सोचने लगे, यह क्या हो गया, बिल खाली खाली क्यों लग रहा है? मुखिया को भेड़िए पर शक हो गया। अगले दिन शाम को जब सारे चूहे तपस्वी रूपी भेड़िए की सेवा कर अपने बिल में जाने लगे तब मुखिया लाइन में सबसे आखिरी नंबर में लग गया। जैसे ही भेड़िया ने झपटा मारा मुखिया चूहा उछल कर भाग गया। मुखिया भेड़िए का अपमान करते हुए बोला, ओ ढोंगी भेड़िए, तुम तपस्वी नहीं हो बल्कि तुम तो तपस्या के नाम पर धोखा देकर अपने लिए पापों का घड़ा भर रहे हो। ऐसे पापी ढोंगी धार्मिक नहीं कहलाते बल्कि दुष्ट कहलाते हैं। शिक्षा: अपने स्वार्थ के लिए किसी को कोई भी दुख नहीं देना चाहिए।